दोस्तों वोटर लिस्ट में हमारा नाम होता है तो हम वोट दे पाते हैं, और अगर नाम नहीं होता है तो फिर वोट नहीं दे पाते हैं। तो इस वीडियो में हम अपने मोबाइल फोन से ही अपना एरिया का या फिर किसी भी एरिया के वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना सीखेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप अपना नाम, फैमिली वाले का नाम, अपने गाँव वाले का नाम या फिर जिस भी एरिया का वोटर लिस्ट आप डाउनलोड किए हैं उस पूरे एरिया का नाम उसमें चेक कर सकते हैं कि किनका किनका नाम उसमें है, किनका नहीं है। साथ ही एक और जरूरी बात बताना चाहूंगा, अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन कर लिए हैं तो ठीक है, और अगर नहीं किए हैं तो फिर ऊपर आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के आप अपने वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस अभी चल रहा है, आगे चल के बंद हो जाएगा। और अगर आप अपना वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो हो सकता है आपका वोटर आईडी कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाए या फिर आपका नाम वोटर लिस्ट पे ना आवे। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और किसी भी एरिया का वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना और उसमें अपना नाम चेक करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों वोटर लिस्ट को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ और ऊपर टाइप करेंगे nvsp.in। टाइप करने के बाद इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। और जब आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड इलेक्टोरल रोल PDF। तो इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद ये दूसरा पेज आ जाएगा। तो यहाँ से क्लिक करके आप अपना स्टेट चुन लेंगे, तो मैं यहाँ से दिल्ली चुन लेता हूँ, और इसके बाद गो पे क्लिक करेंगे। तो स्टेट चुनने के बाद आप जो भी स्टेट चुनेंगे उस स्टेट के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप अपना लैंग्वेज चुन सकते हैं। मैं अपने मोबाइल को लैंडस्केप कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज है, और ये तीन लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। ये तीन लैंग्वेज में आप वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं, और इंग्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको चार ऑप्शन दिखेगा वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए। एक तो यहाँ पे मदर रोल है, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री 1 है, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री 2 है, और एक नीचे भी ऑप्शन है। तो ये सब हमें ऑप्शन नहीं देखना है, हमें यहाँ पे मदर रोल पे क्लिक करना है। और मदर रोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो इधर आपके विधानसभा चुनना होगा, आपके स्टेट में जो भी विधानसभा है आप उसको चुन लेंगे। तो यहाँ पे एक गांधीनगर विधानसभा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, और इसके बाद हमारे गांधीनगर विधानसभा में बूथ कौन सा है वो आप यहां से चुनेंगे। तो आप यहां से कोई सा भी बूथ अपना चुन सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं, गांधीनगर 12 शास्त्री पार्क, ये जो बूथ है इसके ऊपर यहां पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहां पे नीचे कैप्चा डालना है, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पर डालेंगे और फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप ऊपर देख सकते हैं मोबाइल में यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, जो आपका वोटर लिस्ट है वो डाउनलोड हो रहा है। जब इसको आप पीछे विंडो में देखेंगे तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ये जब पूरा डाउनलोड हो जाएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपने जिस भी बूथ का वोटर लिस्ट डाउनलोड किया था उस बूथ पर किसका किसका नाम है वोटर लिस्ट में सारा उसमें दिखाई देगा। और डाउनलोड होने के बाद ये PDF खुल गया, आप इसमें आपका जो बूथ है उसका डिटेल पूरा रहेगा। और नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे नक्शा दिखाई देगा, ये मैप है। आप मैप के ऊपर क्लिक करके और इसी मैप के सहारे आप अपने बूथ पे जा सकते हैं। और ये एक फ़ोटो दिखाई देगा, ये उसी बूथ का जो फ्रंट का फ़ोटो है वो है। और बिल्कुल नीचे आ जाएंगे तो इधर ये पूरा वोटर लिस्ट है, इसमें किसका किसका नाम है, सबका नाम लिखा है, वोटर जो कार्ड नंबर लिखा है और पूरा डिटेल लिखा है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि किस किस का नाम इस वोटर लिस्ट में है। आप अपना नाम भी यहां से ढूंढ सकते हैं, और आप अपने फैमिली वालों का भी नाम इसमें चेक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा लिस्ट है, और आप इस वोटर लिस्ट को प्रिंट करना चाहें तो मोबाइल में अपना ऊपर यहाँ पर जो ट्रिपल डॉट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे इधर आपको प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपके मोबाइल से आपका प्रिंटर कनेक्ट है तो यहीं से आप प्रिंट कर पाएंगे, या फिर आप यहां पे सेव टू डॉक्यूमेंट क्लाउड को पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे, PDF के रूप में सेव हो जाएगा, फिर कहीं भी दुकान पे ले जाके आप इसे प्रिंट करा पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।